Sharks. Hi. I'm Anushka from Pune और मैं 22 years की हूँ. For us Gen Zs, manicures उतने ही important है जैसे hair और makeup. Party में बिना manicure के जाए ऐसे लगता है जैसे हमारी body part missing हो. Manicure सिर्फ cut file shine नहीं बल्कि खूब सारा nail art है. But ये salon जाकर nails करवाना, that's so boring. It's a waste of time and money also. और ये सालों नेल्स 3-4 हफ्तों तक लगे रहते हैं. ऐसे कमिटमेंट किसको चाहिए. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया पॉलिश मी प्रिटी. पॉलिश मी प्रिटी मेक्स योर बेयर हैंड्स लाइक दिस लुक लाइक दिस विद इन मिनट्स. पॉलिश मी प्रिटी में 200 वेरियस कलर के नेल ऑप्शंस अवेलेबल है और आप अपनी फेवरेट पिंटरेस्ट इंस्पायर नेल आर्ट भी हमसे कस्टमाइज करवा सकते हैं. Our nails are reusable up to 5 times and are all handmade, hand polished and handcrafted. इसीलिए ये साल और फिनिश क्वालिटी बराबर है. आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट और मार्केट प्लेसेस लाइक ब्लिंकिट, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो. वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. आप लगती हैं आप सीधा रिवरडेल से आई. आपने बोला आप 22 इयर्स ओल्ड. हाँ. हम तो आपका पूछ भी नहीं सकते आपने कहाँ काम किया है. मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गई. कहाँ से? आई स्टडी डिजाइन फ्रॉम एसडी पार्सन्स इन बॉम्बे. और स्ट्रेट काम करना शुरू कर दिया. ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था. ओह, आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन में. तो एंटरप्रेन्योरियल एंड आई वाज लाइक चलो फुल टाइम करते हैं. आपके फादर एंटरप्रेन्योर हैं? No. Okay. I come from a business family. मैं business family से आती हूँ. हाँ जी, तो वही तो पूछ रहा था. Dad has his own company. हाँ जी, वही तो मैं पूछ रहा था. So we make UPSs. अच्छा. कहीं इंटर्नशिप किया था आपने? पहले काम किया था? मैंने फर्स्ट एक कपकेक वैन रन किया था विद माय मदर एट द एज ऑफ 14. फिर बोर्ड्स आए थे तो एट द स्टडी 17-18 मैंने स्मॉल इंस्टाग्राम पेजेस रन किए थे स्टेशनरी सेल करने के लिए और कपड़े सेल करने के लिए. 2019 मैंने एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड खोली थी. क्या हुआ उसका? बंद. सो ऑनेस्ट. मेरी मूड चली गई एंड आई सेड ठीक है मैं कुछ नया स्टार्ट कर लूंगी. क्या गारंटी है कि इससे भी आपका मन नहीं उठ जाएगा? दिस इज इट. व्हाई डू यू फील दैट? बिकॉज जब मैं सालोंस जाती थी पहले नेल्स करवाने, मैं ऑलवेज फैसिनेटेड थी कि लाइक ये यूनिवर्स में जाना है. जाना तो है पर रहना इस यूनिवर्स में 20 साल भी मुझे लगता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड है. ऐसा क्यों लगता है आपको कि अनएक्सप्लोर्ड है? तो मैं मेरी विजन एक्सप्लेन करती हूँ. बिल्कुल. अब तो आपके पास है ही विजन. बेसिकली मुझे पॉलिश मी प्रिटी को ऑल कैटेगरीज में स्प्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ सालो एसेंशियल्स लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर मिक्सेस नेल केयर बीइंग क्यूटिकल ऑयल क्रीम्स पॉलिशेस नेल कटर्स फाइलर्स बफर्स सारे. ऐसे ब्रांड्स नहीं है मार्केट में आपने कहा? ऑलरेडी, पर मुझे जेन जी टारगेट नीच पे फोकस करना है. और बाकी ब्रांड्स उनको नहीं केटर कर पाते? नहीं, उनकी पैकेजिंग बहुत बोरिंग है. सोशल मीडिया काफी डेड है. डेड? अच्छा, तो फिर क्या दिखाना चाहिए जेन ज़ी? आप क्या दिखाते हैं उन्हें? मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कुछ खास नहीं है. कितने हैं? शुडन से दैट 790. मैं प्रिसाइज बताती हूं आपको. शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ. एक एग्जांपल दीजिए. इंस्टाग्राम, इफ यू सी एनी ऑफ द पिंक वन विद द नेल्स. जेन ज़ी में मेरी जो डॉटर है वो तो आजकल फोटो भी खिंचवाती है और ऐसे खिंचवाती है. हाँ. चलिए समझ गए. I like that. Thank you. Nice. Chrome and French. Yeah. आपरे 1300 रुपए. इसको exactly use कैसे करते हैं? हाँ, मैं try कर रहा था, मेरे लगा नहीं गिरे जा रहा है. Namita, could I show it to you? Yeah. If you have. Namita, can you go? So basically, उसमें दो alcohol pads है जो nails को dehydrate करते हैं. ये glue tabs है. This is what you use to stick. So I'll dehydrate her nails. You see measurement based on your आपके thumb size पे. ये लग गया. लग गया? There you got it. There you go. All done. पर इसमें जो कर्वेचर है आपके नेल में तो वो सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, एक बॉक्स में मैं 20 नेल टिप्स देती हूँ, सो सारे साइज इंक्लूसिव है. ओके, थैंक यू.
Anushka, you like the look? Love it. Oh man, show me. आप पूरे बियॉन्से लग रहे हो. What a riz, bro. You look like a riz. ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में. मार्केट में जो अवेलेबल है वो मशीन मेड नेल्स है. वो इजिली टूट जाते हैं एंड वो रियूजेबल नहीं है. वो जनरली अराउंड 250 टू 300 रुपीज के लिए सेल होते हैं, बट वो वन टाइम यूज ही है. आप कह रहे हैं आपके जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में. देयर इज ओनली वन करंटली. सोनाक्षी सिन्हा ने अभी लॉन्च. सोनाक्षी सिन्हा वाला ब्रांड. अनुष्का, हमने स्टार्ट कैसे किया, मैं उस पर थोड़ा क्यूरियस हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या था? एक नाइकी स्नीकर्स की ड्रॉप आई थी लिमिटेड एडिशन शूज की, तो मुझे वो रिटेल पे मिला था वेबसाइट पे एंड फिर मैंने बेच दी उसको टू गेट माय इनिशियल फंड. कितने पैसे में खरीदा? 13,000. और कितने में बेचा? 1,00,000. वेल डन. नो डैडी हेल्प? नो. नेक्स्ट स्टेप क्या किया? मैंने जस्ट डायल से नेल आर्टिस्ट ढूंढे ऑल अक्रॉस पूना. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट उनके थोड़े गॉडी और ऐसे झटक टाइप डिजाइन थे. फिर जैसे मुझे चाहिए था, मुझे मैंने उनको एक्सप्लेन किया. फैमिली मेंबर्स मेरे गिनी पिग्स थे सैम्पलिंग के लिए. मैं ये फैमिली ब्रांड ही बोलूंगी बिकॉज स्टार्ट से जब मेरा फर्स्ट 12 ब्लिंकेट ऑर्डर आया था, रात के 3 बजे तक मेरी दादी, माय मासी, माय सिस्टर सारे सप्लाई लाइन चेन में बैठे थे मेरे नेल्स पैक करते हुए. दैट्स ग्रेट. सो उसके बाद मैं पापा को बोली कि अब यही करना है. सो ही सेड ठीक है, कूद लो, ड्राउन मत हो जाना बस. पापा अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं. पापा को पता होगा ना कि बोट आ जाएगी. सॉरी. इज इट अनकूल टू यूज द राइट स्पेलिंग्स फॉर जेन ज़ी आजकल? पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैं देखूं तो 6-7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. लेंथ की स्पेलिंग, एप्लीकेशन, एलिमिनेट, डिस्चार्ज, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इज दिस, डज इट हेल्प द ब्रांड बिकम कूल और इज इट अ मिस्टेक? आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट, इट्स अ मिस्टेक देन. या. So, but अगर आप इतनी passionate हैं इसके बारे में, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, right? I'll be honest, my attention was across everything, but I will get it rectified. Okay. And okay. मेरे पास already ये boxes थे, अब पैसे नहीं है और to get boxes printed तो use ही करना है अब. Why can't you take money? Dad से क्यों नहीं ले सकते? आपने कहा dad एक businessman है, तो what's the problem? पापा बोले खुद brand start करना है, खुद जाके पैसे उठाओ, खुद बनाओ. कुछ स्टडी किया मार्केट साइज वगैरह क्या है? द नेल मार्केट साइज 9000 करोड़ है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड दोनों. इंडिया में जिसमें 99% नेल पॉलिश. मुझे वो एक्चुअली वही मेरा फर्स्ट आइडिया था इसके पहले, बट उतना कैपिटल नहीं था तो 1,00,000 में यही हुआ. अल्टीमेटली क्या आप नेल पॉलिश की तरफ जा रही हैं? वो मैं एक SKU रख दूंगी इन द फ्यूचर, पर वो बाद में देख लेंगे जब ब्रांड कैसे जाए. अभी क्या प्लान है? दिस इज आपका मंथली सेल्स कितना हो गया? मेरे अक्टूबर के रेवेन्यूज है फॉर ब्लिंकिट. मैंने 160 बॉक्सेस बेचे थे. कितना रेवेन्यू था वो? सो वेबसाइट से हमने बेयर मिनिमम 10,000 किए, उसके पहले वाज 5,000 फ्रॉम द वेबसाइट. मैं एड्स रन नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ. अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू होगा अक्टूबर का? सो 160 बॉक्सेस. नहीं, रेवेन्यू सेल्स कितनी है आपकी अक्टूबर की, टोटल बिजनेस की? सो माय लाइफ टाइम सेल्स टिल नाउ आर 15,50,000. एंड मंथली सेल्स? मंथली सेल्स इज नॉट स्टेबल. सो दिस मंथ वुड बी 6,54,593. व्हाट? 160 डब्बों में कैसे इतना? दिस मंथ बिकॉज मेरा जेप्टो का एक PO आ गया है कंफर्म. अच्छा, पर ये आप दिसंबर की सेल बता रही हैं मुझे? मैं दिसंबर के बोल रही हूँ. इस मंथ आपकी 6,50,000 की सेल होगी. नॉट 6,50,000, 6,54,593. ये कैसे आया ऑर्डर? आपने कॉल किया उनको, कोई कॉन्टेक्ट मिला? आफ्टर मैं ब्लिंकिट पे लाइव गई, I went to Zepto, sir, मैं तो ब्लिंकिट पे हूँ, आप मुझे ले लो अब. So, 32 weeks लगे. Every Monday मैं उनको ईमेल करती थी कि hi. Well done, persistence pace. We get on an exploratory call. हम ब्लिंकिट पे है, हम दिल्ली बैंगलोर. Every Monday same text जाता था उनको. आपने 32 weeks तक करते रहे और कभी आपका मन नहीं करा कि छोड़े, नहीं सुन रहे? नहीं. करते रोज. पापा बोले shamelessly knock on the door. Keep knocking, someone will open. आपके पापा बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पापा को मानना पड़ेगा सही में.